तो फाइनली गाइस मेरे गेम में मल्टीप्लेयर मोड आ चुका है और आप लोग यहां पर देख सकते हो मैं मेरे दोस्त के साथ खेल रहा हूं। अगर आप लोग भी अपने गेम में मल्टीप्लेयर मोड को लेना चाहते हो और अपने दोस्त के साथ खेलना चाहते हो तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D गेम के अंदर मल्टीप्लेयर मोड को कैसे ले सकते हो और इसका चीट कोड क्या है। और हाँ, ये सब बताने से पहले मेरे जिन्होंने पिछले वीडियो में कमेंट किए थे तो उनका कमेंट आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, तो इन लोगों को मेरी तरफ से बिग शॉट आउट जाता है। अगर आप लोग भी मेरे वीडियो में शॉट आउट लेना चाहते हो तो गाइस इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना पड़ेगा। और अगर आप लोगों को इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D गेम का कोई भी ग्लिच मालूम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, तो इस ग्लिच को मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब से ट्राई करने वाला हूँ। और तो आप लोगों को अगर ग्लिच मालूम नहीं है तो ये वाला 2 इमोजी कमेंट कर देना, तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आउट दे दूंगा। बाकी चलो अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग अपने इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के अंदर मल्टीप्लेयर मोड को कैसे ले सकते हो। लेकिन मल्टीप्लेयर मोड को बताने से पहले उससे पहले आप लोग ये देखो, हमारा हेलीकॉप्टर ऑटोमेटिकली उड़ रहा है लेकिन जो हमारा करेक्टर है वो नीचे घूम रहा है। अगर आप लोग भी ये वाला ग्लिच करना चाहते हो तो आप लोग कैसे कर सकते हो पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि ये भी एक टाइप का मल्टीप्लेयर जैसा ही लग रहा है। तो इस ग्लिच को करने के लिए आपको अपने गेम में हेलीकॉप्टर को ले लेना है। तो यहाँ पर मैं 8000 डायल करके हेलीकॉप्टर ले लेता हूँ। हेलीकॉप्टर लेने के बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको कोई सा भी एक बाइक को लेना है। तो यहाँ पर मैंने इस वाले बाइक को ले लिया है। अब बाइक लेने के बाद आपको इसके पास में जाना है और इसके पास जाने के बाद आप लोगों को ड्राइव वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। और इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, ये जो बाइक है इसको आप लोगों को थोड़ा सा दूर लेके जाना है और दूर ले जाने के बाद आप लोगों को इस बाइक से उतर जाना है। उतरने के बाद आपको ये जो हेलीकॉप्टर है ना, हेलीकॉप्टर के आपको धीरे धीरे सामने जाना है और यहाँ पर आपका ग्लिच हो जाएगा। तो ऐसे ही आप लोग अपने गेम के अंदर दोनों चीजों को कंट्रोल कर पाओगे और जो आपका ये हेलीकॉप्टर है वो ऐसे ही उड़ेगा और नीचे जो आपका करेक्टर है वो ऐसे ही नीचे चलते रहेगा। तो आप लोग इस ग्लिच को ऐसे यूज कर सकते हो और आप लोग अपने दोस्तों को दिखा सकते हो, तो इसके लिए वीडियो को लाइक कर देना। बाकी चलो अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग अपने गेम के अंदर मल्टीप्लेयर मोड को कैसे ले सकते हो और इसका चीट कोड क्या है। तो देखो गाइस, अभी मैं आप लोगों को सच बता रहा हूँ, फिलहाल तो अभी हमारे गेम में ऐसा कोई अपडेट देखने को नहीं मिला है जिसमें कि हमारा मल्टीप्लेयर मोड का भी चीट कोड है। जी हाँ, ऐसा कि अभी तक हमें कोई ऑप्शन भी नहीं मिला जिससे कि आप लोग मल्टीप्लेयर मोड को खेल सको। लेकिन आप लोग निराश मत हो, मैं आप लोगों को सच बता रहा हूँ। लेकिन हाँ, गेम के डेवलपर ने ये जरूर बोला था फ्यूचर में मल्टीप्लेयर मोड को जरूर ऐड कराऊंगा। अब आप लोग थोड़ा सा वेट करो और मल्टीप्लेयर मोड के लिए ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो ताकि गेम के अंदर मल्टीप्लेयर मोड ऐड हो जाए और हम लोग साथ में खेल पाए। बाकी आप लोगों को पता है RGS टूल न्यू आया है अपडेट में, वैसे ही मल्टीप्लेयर मोड भी कभी भी आ जाएगा अपडेट में। बस आप लोग डिमांड करते रहो, यानी कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। बाकी जब और भी गेम के अंदर काफी सारे न्यू चीज आएगी तो मैं आप लोगों को वीडियो को बना के बता दूंगा। बाकी आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को यहाँ तक वीडियो पसंद आया तो गाइस इस वीडियो को एक लाइक करके फटाक से चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।